हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल क्वेश्चंस ऑफ योर ज्योग्राफी बुक ऑफ चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। तो स्टूडेंट्स हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 2 से है, इनसाइड द अर्थ, यानी कि हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना पर आधारित कुछ प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। बताते चले स्टूडेंट, ये प्रश्न जो हम अभी आपसे पूछेंगे या डिस्कस करेंगे, ये न सिर्फ आपके लिए उपयोगी है बल्कि उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन उपयोगी है जो भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे और इसे लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है इसके संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, वह किस सिद्धांत से या किन चीज़ों के द्वारा हम सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये जो है सबसे उपयोगी जो सिद्धांत वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है। ये आप इंटरमीडिएट में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे पूरा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो है, ऐसे नाइन्थ में थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे इसको। ये ऑप्शन आपको रहेंगे अगर इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स, अननेचुरल मीन, वोल्केनिक एक्टिविटी और सिस्मोलॉजी। तो ये आपका सबसे जो उपयोगी होगा वो सिस्मोलॉजी आपका होगा, यानी कि भूकंप विज्ञान। अनदर क्वेश्चन है कि अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मास ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन द मेंटल, मेंटल में पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, दैट इज 68%, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर इज एक्सटेंशन ऑफ द वेन्यू टू द डेप्थ ऑफ, यानी कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, दैट इज 100 किलोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम इज द क्रस्ट, पृथ्वी के कुल आयतन का क्रस्ट कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, आप नेट पर खोजेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक जो क्वेश्चन हमने अभी पहले आपको बताया था कि अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मास ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन द मेंटल, तो इसमें आपको अगर 84%, 68%, 90% ऑप्शन हो तो आप 68% ही देंगे, 84% नहीं। 84% जो अभी का जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपको, व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ टोटल वॉल्यूम इज द क्रस्ट, तो ये आपका जो है वो लगभग 84% है, ध्यान रखिए, सॉरी क्रस्ट 1% है, क्योंकि द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% मेंटल का है और 15% जो है वह आपका कोर का है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन के बारे में कह दे रहा हूँ कि अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मास ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन द मेंटल, तो 68%, लेकिन क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम इज मेंटल, तो उसमें 84%, ध्यान रखिएगा। अनदर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, यह लगभग 6,371 किलोमीटर के आसपास है। हु डिवाइडेड द अर्थ इंटू 3 कंसेंट्रिक लेयर एज सियाल, सीमा एंड नीफेस, दिस वॉज स्वेस, स्वेस ने पृथ्वी का जो संरचना, जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में उन्होंने बताया था, उसमें सबसे ऊपरी परत को सियाल और उसके बाद का सीमा और सबसे नीचे वाले भाग को नीफे हम कहते हैं, यानी कि सियाल में सिलिकन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा है जो आपको क्रस्ट के बराबर है। उसके बाद जो मेंटल है उसमें आपका सीमा सिलिकन और मैग्नीशियम और जो नीफे है
वह कोर का है, यानी कि निकेल और फेरियम है। और अनदर क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द चेंजिंग ऑफ वन रॉक इन अनदर रॉक। रॉक को, चट्टान को एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है। स्टूडेंट, दैट इज रॉक साइकिल, ध्यान रखिएगा, या रॉक साइकिल है। रॉक साइकिल क्या होता है, पहले आप देखेंगे अग्नेय रॉक से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से पुनः जो आपको आता है ये अग्नेयस, तो वही एक साइकिल के रूप में होता है जिसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। व्हाट इज द थिकनेस, थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन है। दैट इज क्रस्ट, इट इज अबाउट यू नो द 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल, आप कह सकते हैं उसको, और 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर, यानी कि प्रद्वीपीय अगर हम सतह पर देखें तो उसका 35 किलोमीटर के आसपास, और समुद्री जो महासागरीय में देखें तो वह लगभग 5 किलोमीटर के है, और जस्ट उसके नीचे हम जाएंगे तो वह मेंटल का है लगभग 2900 किलोमीटर और कोर का लगभग 3500 किलोमीटर, ये याद रखेंगे आप। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकेल। ऑब्वियसली अभी हमने आपको बताया कि कौन सा परत जो है आयरन और निकेल का बना हुआ है, तो वह नीफे यानी कि कोर है, इसलिए इसका आंसर कोर होगा। क्रस्ट आपको बताया मैंने सियाल का और मेंटल सीमा का। अब नाउ विच रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई मोल्टेन मैग्मा, मैग्मा पिघले हुए मैग्मा से कौन सा चट्टान बनते हैं। अग्नेयस रॉक्स बनता है, अग्नेयस रॉक्स स्टूडेंट्स है, दीज अग्नेयस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इंटू ए स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक्स, एंड वेन अग्नेयस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स यू नो आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इंटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड अगेन यू नो दीज मेटामॉर्फिक रॉक्स आर स्टिल अंडर द हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा, एंड दिस मैग्मा अगेन कैन यू नो कूल डाउन एंड सॉलिडफाइड, दिस इज अगेन कम इंटू द अग्नेयस रॉक्स, इस तरह ये साइकिल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर यू नो सेट टू वॉच दिस वीडियो, यू नो फुल वीडियो एंड लर्न वट एवर द क्वेश्चन हैव बीन गिवेन, हैज बीन सेड, हैज बीन आस्क्ड, हैज बीन डिस्कस इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।